सो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपसे बात करने वाले हैं आंगनबाड़ी भर्ती 2021 के बारे में। आपने वीडियो तो बहुत सारी ऐसी देखी होगी आंगनबाड़ी से रिलेटेड, लेकिन आज के इस वीडियो में कुछ स्पेशल होने वाला है, जिसको अगर आप जान लेंगे तो आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता गाइज। सो वीडियो को ज़रूर देखें, और जिन पॉइंटों पर हम आपसे बात करने वाले हैं, यहाँ पर थंबनेल में यानी कि आपके अपने मोबाइल स्क्रीन पर दिख रहा होगा इनकम सर्टिफिकेट, सारा खेल इसी का है। संभल कर बनवाएं इनकम सर्टिफिकेट। वार्षिक आय कितनी होनी चाहिए? जी हाँ, बिल्कुल आप समझ लीजिए, अगर आपके गांव में एक पोस्ट है, पांच लोग आवेदन कर रहे हैं, तो क्या चालाकी से आप फार्म को अप्लाई करें कि उन पांचों में आप ही का सिलेक्शन हो? बिल्कुल, आज के इस वीडियो में हम आपको यही बताएंगे। तो ये वीडियो आपके लिए है, और आप अगर ये पूरी वीडियो देखते हैं तो बिल्कुल आप ही का सिलेक्शन होगा, मैं गारंटी देता हूं। अगर वीडियो अच्छी ना लगे ना तो डिसलाइक करना, और भाई वीडियो अच्छी लग जाए तो एक लाइक करना हमारी मोटिवेशन के लिए, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए। मैं हूं आपका अपना होस्ट भीमा चित्रा, स्वागत है हर गाइज, हर बहन, हर दोस्त का आपके अपने चैनल ट्रिकी नंबर वन पर। सो वीडियो को शुरू करते हैं गाइज। वेलकम बैक गाइज, अभिनंदन है एक बार पुनः स्वागत के साथ। तो आ चुके हैं हम ऑफिशियल पेज पर, जो सरकारी न्यूज़, जो सरकार की एक नोटिफिकेशन है कि क्या होगा, कैसे होगा, इन सारी चीज़ों में बहुत सारी डिटेल्स दी गई हैं, लेकिन कुछ डिटेल्स ऐसी हैं जो आप नहीं समझते हैं। तो अगर आप उन बातों को समझ लेंगे तो आपका सिलेक्शन पक्का है। जी हाँ, बिल्कुल इसी वीडियो में, और हम आपको वही दिखाएंगे जो सरकार ने नोटिफिकेशन दिए हैं। अलग से कहीं से मैं कुछ नहीं दिखाने वाला हूं, बस जरूरत है कि आप इन बातों को समझ लीजिए। तो यहां पर देख सकते हैं कि एस राधा चौहान, जो कि अपर मुख्य सचिव हैं उत्तर प्रदेश शासन के, और इनके अंडर में ही ये नोटिफिकेशन रिलीज किया गया था, यानी कि जारी किया गया था। और निदेशक बाल विकास सेवा पुष्टाहार उत्तर प्रदेश लखनऊ से दिनांक 29 जनवरी 2021 को ये नोटिफिकेशन प्रोसीड किया गया था। तो इसमें बहुत सारे नोटिफिकेशन है, मैं पूरी नोटिफिकेशन आपको पढ़ के नहीं बता सकता, वीडियो आधे घंटे की हो जाएगी, इतनी ज्यादा नोटिफिकेशन है। सो गाइज, अगर आप इस पीडीएफ को लेना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, तो एक वीडियो पर कमेंट करिएगा और अपना व्हाट्सएप नंबर सेंड करिएगा, और मेरा व्हाट्सएप नंबर आप ले लीजिए, चाहे उस व्हाट्सएप नंबर पर ही सेंड कर दीजिएगा, 8261 944 826। तो भाई ये चीज आपको मैं प्रोवाइड करा दूंगा। फिलहाल मैं यहां पर बात करने वाला हूं उन पॉइंट्स की, जिन पॉइंट्स को जानना आपको लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है अगर आप सिलेक्शन चाहते हैं। तो ऐसी इसमें डिटेल्स हैं, उन डिटेल्स की हम बात कर लेते हैं। सो गाइज, यहां पर आप देख सकते हैं लिखा हुआ है तीसरे कॉलम में, इस कॉलम को ध्यान दीजिएगा, चयन हेतु पात्रता अर्हता, यानी कि चयन के लिए क्या जरूरी है। तो यहां पर आपको लिखा गया है कि आपको 5 साल की छूट मिलेगी वगैरह वगैरह, लेकिन ये सेकंड नंबर को आपकी कॉलम पढ़नी है। यहां पर ये देखिए लिखा गया है कि नियुक्ति चयन गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार के सदस्य को, आगे अपडेट दिखाते हैं आपको। तो जो गरीबी रेखा के नीचे है उन सदस्य को प्रथम वरीयता दिया जाएगा। ये देखिए, जो गरीबी रेखा के नीचे हैं उन परिवार को प्रथम वरीयता दिया जाएगा। अब बात आती है कि गरीबी रेखा का मतलब क्या है। आपने देखा होगा कि अपने इंडिया में, अपने भारत में, अपने उत्तर प्रदेश में दो तरह के राशन कार्ड चलते हैं। पहले आपके 3 राशन कार्ड चलते थे, एक पीला वाला, एक सफ़ेद वाला, एक लाल वाला। लेकिन इस समय प्रेजेंट यानी कि वर्तमान में आपके 2 टाइप्स के कार्ड यानी कि राशन कार्ड बने हैं, सबको मिले हैं, एक लाल कार्ड, दूसरा आपका सफेद कार्ड। एक को अंत्योदय कार्ड बोलते हैं, गरीबी रेखा से नीचे, और एक को साधारण या बीपीएल कार्ड बोलते हैं। तो आपको यहां पर जो वरीयता वाली बात कर रही है, ये गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले, यानी कि जिसके पास लाल कार्ड है गाइज, कौन सा लाल कार्ड है, तो अगर उस कार्ड के लिए आप यस या नो फार्म में भरते समय, मैंने चैनल पर बहुत सारी वीडियो बनाई है, ऑनलाइन करके दिखाया है कि कैसे फार्म आप भर सकते हैं, तो वहां पर आपको ऑप्शन मिलता है कि आपके पास ये कार्ड है गरीबी रेखा वाला, लाल कार्ड है या फिर नहीं। तो जिन लोगों के पास है तो उनके लिए बहुत अच्छी बात है, उनको यस पर क्लिक करना है और आपका सिलेक्शन पहले होगा। ये हो गई उन लोगों के लिए। दूसरी पॉइंट्स पर बात करते हैं, जिनके पास लाल कार्ड नहीं है उनको क्या करना है अगर आप सिलेक्शन लेना चाहते हैं। यहां पर लिखा गया है कि गरीबी रेखा को प्रथम वरीयता दिया जाएगा, इस हेतु समक्ष अधिकारी द्वारा निर्गत आय प्रमाण पत्र
प्रस्तुत करना होगा कि गरीबी रेखा हेतु आय का निर्धारण समाज कल्याण के विभाग शासन आदेश इतने के तहत आपको इस दिनांक को, यहाँ पर जो दिनांक दिख रहा है कि आपकी जो आय सीमा हेतु कट निर्धारित की गई है वो आपकी 46,080 रुपये से कम है या फिर 46,080 रुपये तक है। लेकिन मैं गाइस बता दूं, यहाँ पर ये चीज़ आपको कोई नहीं बताएगा, आपको कह रहा है 46,000, लेकिन अगर आप इससे कम बनवा लेते हैं किसी भी चतुराई से, जैसे भी करके आप 36,000 तक बनवा लेते हैं जिनके पास लाल कार्ड नहीं है, तो उनको गाइस ये जान लीजिए उनको भी उतना ही बेनिफिट्स मिलेगा जितना कि लाल कार्ड वालों को। तो ये थी जानकारी, आपको कैसी लगी? कहने का मतलब टोटल माजरा आपको कम से कम आय प्रमाण पत्र बनवाने पर है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं मैं किसी की कही सुनी बात आपको नहीं बता रहा हूँ, उन पॉइंट्स पर आपको ध्यान दिलाने की कोशिश कर रहा हूँ जहाँ से आपकी सिलेक्शन निश्चित है। तो ये इन्फॉर्मेशन आपको कैसे लगी? इन्फॉर्मेशन तो इसमें बहुत कुछ ऐसी हैं जिसको आप पढ़ सकते हैं, PDF लेना चाहें तो हमारे WhatsApp नंबर 8216944826 पर मैसेज करके ले सकते हैं। लेकिन गाइज मैंने जिन बातों को आपको बताया है अगर वो बातें आपको अच्छी लगी हैं तो एक लाइक करना और कमेंट्स जरूर करना, और अगर हमारी बातें आपको फर्जी लगी हैं जो हमने बताया है तो भी कमेंट जरूर करना। तो आज के लिए बस इतना ही गाइज, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ आपके लिए बेहतर करने की कोशिश करने के साथ। तब तक के लिए दीजिए अपने दोस्त भीमा चित्रा को इजाजत। आप सभी सुखी और स्वस्थ रहें। जय हिंद, वंदे मातरम।